कार्यकाल में पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छे कामकाज किए गए। दीपावली के उपलक्ष्य में वार्ड निवारण समिति के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने महल कोतवाली थाने के कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों को भेंट वस्तु देकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर वार्ड निवारण समिति के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। कोरोना कार्यकाल को कोई भूल नहीं सकता। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व के साथ भारत के कई राज्यों और शहरों को अपनी गिरफ्त में लिया है। ऐसे में कोरोना पेशेंट से मिलने के लिए या फिर कोरोना जैसे महामारी में भी जान की बाजी लगाकर शहर के पुलिस, डॉक्टर, मीडिया के पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर के महल कोतवाली थाने की पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है। इनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए उन्हें कोरोना वॉरियर से नवाजते हुए शहर के वार्ड निवारण समिति के अध्यक्ष सचिन बड़िए और उनके तमाम सदस्यों ने महल कोतवाली जाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया और उन्हें भेंट वस्तु प्रदान की। इस बारे में संस्था के अध्यक्ष और महल कोतवाली थाने के DCP मतानी सर इन्होंने NBCN के समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में NBCN की टीम वार्ड निवारण समिति की ओर से दीपावली के उपलक्ष्य में हर पुलिस थाने में जाकर पुलिस का सम्मान किया जा रहा है। कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार से ये जवान जो अपने जान की बाजी लगाकर जो लड़े और जो अच्छा एक अच्छा योद्धा साबित हुए, जो वॉरियर्स थे, उनका सम्मान करने का काम वार्ड निवारण समिति हर वर्ष करती है। और इसी श्रृंखला में आज महल के अंतर्गत आने वाले कोतवाली पुलिस थाने में इस समय में हम हमारे साथ में तमाम पुलिस अधिकारी और वार्ड निवारण समिति के तमाम कार्यकर्ता इस समय में मौजूद है। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे इस थाने के सर के पास में, DCP साहब यहाँ पे दिख रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से ये जो प्रोग्राम लिया गया, कैसा महसूस कर रहे हो आप? आज जो वार्ड समस्या निवारण समिति की तरफ से कोतवाली पुलिस ने प्रोग्राम लिया गया है, उसके लिए मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने ड्यूटी की और अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी नागरिकों की सेवा के लिए कोरोना में ड्यूटी की, उनको सम्मानित किया एवं कर्मचारी अधिकारी सभी लोगों को सम्मानित किया। और उसके साथ में जिन नागरिकों ने कोरोना योद्धा बनकर पुलिस का साथ दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दिया, उनको भी सम्मानित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी को एक बार दोबारा से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो आप डिसिप्लिन लोहित बताने, जिन्होंने बखूबी पेपर के साथ बात करते हुए किस प्रकार से यहाँ जो जवान जिन्होंने कोरोना कार्यकाल में काम किया उसके बारे में जानकारी दी। इस समय में इस शहर के ऐसे एक अधिवक्ता पवन डिमोले साहब हमारे साथ में है। सर ये बताए कि जिस तरह से आपकी संस्था ये जो कामकाज कर रही है, ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सर कोई उद्देश्य नहीं है, केवल सामाजिक काम करना ही हमारा ध्येय है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन न रखते हुए समाज हेतु जो हम समाज से कमाते हैं, उस समाज को देने का ही हमारा एक मेन उद्देश्य है। कुणाल आप बताइए, जिस प्रकार से अब तक क्या आप कहाँ कहाँ कौन कौन से थाने में गए और किस किस प्रकार का सम्मान किया आपने? जो हमारे लिए निरंतर खड़े रहते हैं पुलिस बांधव, जो धूप पानी बारिश की परवाह न करते हैं, हमारे सेवा में लगे रहते हैं, जिनके लिए कोई त्यौहार नहीं उनके लिए, उनके साथ हमने ये दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा था और ट्रैफिक जोन कॉटन मार्केट में भी यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से कल किया गया। तो आप थे वार्ड निवारण समिति के तमाम अधिकारी पदाधिकारी जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से कामकाज किया गया है, कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोरोना कार्यकाल में नागपुर के पुलिस जवानों ने जिस प्रकार से काम किया वो तारीफ काबिल, इसमें कोई दो राय नहीं। नागपुर के पुलिस थाने से कैमरा पर्सन मनोहर खान के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज नागपुर।